शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपनी ही करनी का फल है नेकियां रुसवाइयां, आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयां। जया ऊपर वाले की राजू भैया। अरे ऊपर वाले की तो सदा ही जाए बहादुर, मगर तू नीचे आने की तकलीफ नहीं करना। और तकलीफ तो हम तुम्हें देने आए राजू भैया, हमारे कार्बोरेटर का मिजाज बिगड़ गया। मगर ये क्यों भूल गए बहादुर कि बेवक्त की तकलीफ से अपना मिजाज बिगड़ जाता है। शाम के 5 बजे और अपनी दुकान बंद, उसूल से जीते हैं, असूल से काम करते हैं। पापा भाई डबल पैसा लेना। डबल तो फिर कर लो ट्रबल गुरु। देख बहादुर, तुझे अगर जल्दी है तो साथ वाली दुकान से ट्रक ठीक करा ले। बहुत अच्छा पापा जी। गुरु लक्ष्मी को शुक्र नहीं करते। अरे बेटे पंजू, पैसे का ज्यादा लालच नहीं किया करते। कैसे नहीं करे गुरु, जीवन अगर गाड़ी है तो पैसा पेट्रोल। मगर लल्लू मियां, पेट्रोल उतना ही काफी होता है जिससे गाड़ी चले, सो भगवान का लाख शुक्र है। और ये मत भूलो, इंसान ज्यादा पैसा पाकर कमीना बन जाता है। तो गुरु हम कमीने कब बनेंगे? अच्छा देख, ये सब रख दे अंदर और लगा दे ताला। चल फट चल बे। जालिम, कभी तुम खिड़की बंद करो ना। कहो तो आज खुल के बात करूं। देखा गुरु कितना प्यार है कमीने को पंजू से। अरे वो तो ये पंजाबी बता रहा है प्यारे। गाड़ी चला। अरे गाड़ी चलो ना। अरे चलाता हूँ।
अनजान राहों का, मैं राही अनजान राहों का, ओ यारो मेरा नाम अनजाना, ओए मैं राही अनजान राहों का, ओ यारो मेरा नाम अनजाना, ओ यारो मेरा नाम अनजाना, मैं पंछी अनजान बागों का, ओ यारो मेरा नाम अनजाना। अनजाने जाने क्या ये लोग दीवाने, जाने बस ये कलियां ये फूलों की गलियां, जाने बस ये कलियां ये फूलों की गलियां, मैं रागी अनजान गीतों का, बहारों मेरा नाम अनजाना, मैं राही अनजान राहों का, ओ यारो मेरा नाम अनजाना। रस्ते में बाहर मिल जाए, शायद कोई यार मिल जाए, निकला हूँ अकेला ढूंढूं कोई मेला, निकला हूँ अकेला ढूंढूं कोई मेला, मैं साथी अनजान सपनों का, पुकारो मेरा नाम अनजाना, मैं राही अनजान राहों का, ओ यारो मेरा नाम अनजाना, ओ यारो मेरा नाम अनजाना, मैं पंछी अनजान बागों का, ओ यारो मेरा नाम अनजाना। गुरु गाड़ी की अगाड़ी और पिछाड़ी कोई नहीं है। अरे कोई है गुरु? एसोसिएशन के क्लॉथ नंबर 7 के मुताबिक ऐसी सूरत में पैसे रख के पेट्रोल निकाल सकते हैं। निकाल सकते तो ठीक है, निकाल लो। चलो चलो। गुरु
गुरु कितने लीटर? 5 लीटर। 5? चल बे हो जा शुरू। गुरु गाड़ी पहले मैंने देखी है, इनाम मुझे मिलना चाहिए। एमएम साहब शुक्र है कि आप लड़की हैं, वरना चोरी और सीनाजोरी। माफ कीजिए हम कोई चोर नहीं, हमारी गाड़ी में अचानक पेट्रोल खत्म हो गया, हमने आपकी गाड़ी से ले लिया, वो भी कोई मुफ्त नहीं, पैसे रख दिए हैं, ये देखिए। जल्दी से ब्रेकिंग काटिए, काटिए। शट अप, मेरी गाड़ी को पेट्रोल पंप समझा है तुम लोगों ने, मैं पूछती हूँ हाथ क्यों लगाए मेरी गाड़ी को। अरे मैम साहब आप तो ऐसे बिगड़ती हैं जैसे हमने आपकी गाड़ी को नहीं आपको हाथ लगा दिया। इडियट नॉनसेंस। देखिए मैम साहब ये गाड़ियों का मीटर बंद कीजिए वरना हम भी मुंह में जबान रखते हैं। बंद करो बकवास और चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। अजी पुलिस स्टेशन क्या, आपके साथ तो मैं जहन्नम तक जाने को तैयार हूँ, चलिएगा। ये तो हो गई शुरू। तो नूरी मौसी संभालो अपनी नसवार। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बरखुदार। खैरो पैसे तो लेते जाओ। अरे मौसी पैसे किस बात के, लाख रुपए की तो दुआ दी तुमने मुझे। कितनी तकदीर वाली है जान की बहन, अल्लाह ने ऐसा नेक बेटा दिया है। बाप का सुख तो एक दिन भी नसीब नहीं हुआ बेचारे को, फिर भी माँ पर कभी दुख की छाया तक नहीं पड़ने दी। चिंता न करो सरदार जी, आपका बेटा देश की लड़ाई तक गया है, बागरूदी मेरे हुई तो दुश्मन ये छातियां पार के आएगा। तेरे मुंह की ओर शक्कर पुत्रा, जिंदा रहो। अरे रोवर बेटा कैसा है तू, शाबाश, चल घर चल, चल आजा। हे प्रभु तूने मुझ दुखिया को श्रवण समान बेटा देकर मेरे जीवन के सब दुख दूर कर दिए। मेरी तुझसे यही प्रार्थना है मेरे लाल का जीवन सदा सुख और शांति से भरा रहे। भगवान मेरी उम्र भी उसे लग जाए। शरीर कहीं का इतना बड़ा हो गया लेकिन अभी तक बचपना नहीं गया। अरे जीती रहे मेरी माँ, तुम्हारे साये में तो मैं 100 साल का होके भी बचा ही रहूंगा। देखो मैं तुझे कितनी बार कह चुकी हूँ कि अब तो बड़ा हो गया सियाना हो गया, अपनी कमाई अपने पास रखना सीख लो। राम 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 राम, माया की छाया से अपनी तो काया पलट जाती है माता। माँ ये सब तेरे चरणों का प्रताप है, तू ही अपने पास रख। मुन्नी, ओ मुन्नी, अरे भाई मुन्नी कॉलेज नहीं लौटी अभी तक। आती ही होगी, कहीं सहेलियों के साथ गप्पे मारने बैठ गई होगी। बस तेरे लाड प्यार ने दिमाग खराब कर रखा उसका। अरे पन्नी मैं उसे प्यार नहीं करूंगी तो और कौन करेगा, बचपन से बेचारे ने माँ बाप का प्यार नहीं देखा। और फिर ले दे के मेरे बचपन की सहेली की एक ही तो निशानी है। ओफो, ये तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ माँ, मगर मैंने कई बार कहा है उसे मेरे घर पहुँचने से पहले घर पहुँच जाना चाहिए। तू जब देखो तब मुझसे ही कहता रहता है, लेकिन वो जब आ जाती है ना तो बिल्कुल मोम बन जाता है। हाँ, मोम बन जाता हूँ। आने दो आज सामने देखता हूँ कौन मोम बनता है। अच्छा भैया, ए मुनि देख आज मैं बहुत गुस्से हुआ। हाँ तो मैं भी कुछ कम गुस्से में नहीं हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे आने से पहले घर मत आया करो। ठीक है ठीक है। ए मुनि तू बहुत शरारती हो, अब तो तेरा एक ही इलाज है। क्या? क्या? डोली में धक्का। अरे तुम मेरी डोली उठाने की फिक्र मत करो भैया, अपनी डोली लाने की सोचो। ठीक ही तो कह रही है। देख राजू मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ, जब तक इस घर में बहू नहीं आएगी मैं इसके हाथ पीले नहीं करूंगी, आखिर मेरी देखभाल के लिए भी तो कोई चाहिए। देख माँ मुझे पालने पोसने में जितने दुख तूने उठाए जब तक उतनी सुख में तुम्हें पहुंचा ना लूं मेरी शादी का सवाल पैदा नहीं होता। तब तक मेरी शादी करो ना गुरु। इतना हंसने की क्या बात है, मुझे मेरी माँ का दुख नहीं देखा जाता। माँ माँ करो ना मेरी शादी, जो होगा देखा जाएगा। अब एक घटी राम, अगर उस भगवान ने तुझे देख लिया तो उसका हाल कौन सा।
दुकान में कोई शादी कराता अरे हाँ भैया, रास्ते में अभी अभी मुझे मामा मिले थे। उन्होंने तुम्हें अपनी गाड़ी की मरम्मत के लिए कल बुलाया है। गाड़ी की मरम्मत के लिए या अपनी मरम्मत के लिए? बड़ों के साथ ऐसा मजाक करते हैं? अरे माँ, मामा अपना बुजुर्ग भी है और यार भी, हजारों में कहीं दो ढाई मामे ऐसे मिलते हैं। मिलते हैं। ओ मामा, ओ मामा, ओ मामा, 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 ओ मामा, ओ मामा, ओ मामा, ओ मामा, ओ मामा, ओ मामा। I does not like it. What mama mama? अंकल कहो, अंकल जी आर कुपर कहो। मामा, तुम्हारी तो हर बात निराली होती है। कितना खूबसूरत नाम है तुम्हारा, चमनलाल कपूर। मगर तुमने उसको गार्डन रेड कूपर बना के अपने नाम का सत्यानाश कर। I does not like it. फिर वही बात, I does not like it. अरे सारी दुनिया आई के साथ डू बोलती है, तुम आई के साथ डस बोलते। डस बरखुरदार, आजकल फोर्स का जमाना है, फोर्स का। हर चीज में फोर्स होना चाहिए। जो फोर्स गार्डन में है, चमन में कहा। जो फोर्स रेड में है, लाल में कहा। जो फोर्स कूपर में है, कपूर में कहा। इसी तरह जो फोर्स डस में है, दू में कहा। आइंदा ऐसी फिजूल बात कभी मत करना, अंडरस्टूड? और जो फोर्स अंडरस्टूड में है, अंडरस्टैंड में कहा। अब काम की बात की। मामा, कहीं बाहर जाने की तैयारी है क्या? अरे बरखुरदार, यही तो मुसीबत है बड़े आदमियों के साथ, अंदर बाहर हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। क्या मतलब? कोई मिलने के लिए आ जाए तो? तो फिर ये क्या मामा, कोई ना मिलने के लिए आए तो? अरे मामा, जवाब नहीं तुम्हारे दिमाग का। अरे जवाब क्या, सवाल भी नहीं है। इतनी बड़ी रियासत रंगपुर के प्रिंस ने अपनी प्रॉपर्टी का मुझे मैनेजर यूं ही नहीं बना दिया है। वो तो नजर ही आ रहा है मामा, मगर आज अपनी मामी नजर नहीं आ रही। आई डज नॉट लाइक इट। तुम्हारी मामी कोई सुई है जो नजर नहीं आ रही? छोटी परी सुइया रे चली का वो रखना, छोटी परी सुइया रे चलिक 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 मोरा कॉर्नर। हाँ लवली, ला ला ला, ओ माय गॉड, व्हाट ए विग, सारा हेड गरम हो गया। पम 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 ला 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 पम 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 पी टेवरे 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 गुड मॉर्निंग मामी। गुड मॉर्निंग मम्मी। नमस्कार पिताजी। नमस्ते राजू भाई। अरे जियो विलियम कुमार बेटा। राजू, देख रहे हो, तुम्हारी मामी का ये बचपना देखकर कौन कहेगा कि ये इतने बड़े बच्चे की माँ है? देखो मैं कहो, बार बार मेरे छोकरे का नाम लेके तुम इसको नजर लगाते है। ओ माय गॉड, 15 साल के अंदर गोद ने हमको एक ही तो बच्चा दिया है। अरे बच्चों की तो लाइन लग जाए मेरी कैलोपेट्रा, मगर डर लगता है बर्थ कंट्रोल वालों से। क्या बोला, जरा हमारा आंखी में आंखी डाल के बात करो, डर लगता है बर्थ कंट्रोल वालों से। अरे पंपी, जबान को कंट्रोल में रखो। मगर मामा, तुम आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रहे हो? ओके मैम, मी गोस टू स्कूल। ओके पिताजी, मैं चला पाठशाला। अच्छा भैया। अच्छा विलियम। मामा, घंटी। और कहो मामी, क्या हाल चाल है? क्या चाल बोलेगा मैं? क्यों, तुम देखा नहीं अभी अंकल कितना गड़बड़ करता है खाली पीली। यस जी आर कूपर स्पीकिंग। या थापर स्पीकिंग। यस थापर साहब, फरमाइए। फरमाते फरमाते तो 10 साल हो गए, सब्र की हद होती है। याद है आप अपने बेटे विलियम के जन्म पर घी के दो टीन उधार ले गए थे? जी हाँ, मैं कब इनकार करता हूँ, मुझे सब याद है। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आप इतनी जल्दबाजी और बेसब्री से काम लेंगे। आखिर विलियम कुमार की शादी भी तो होनी है, सारा सामान आपके यहाँ से ही आएगा। घबराइए मत, सारा पेमेंट एक ही चेक में कर दूंगा। मजाक की हद होती है मिस्टर कूपर, अब आपसे कचेरी में मुलाकात होगी। बेईमान कहीं का। मामा, किसका फोन था? वो स्विट्जरलैंड से प्रिंस का। प्रिंस का? और नहीं तो क्या बनिएगा। चल चल के तू गाड़ी देख। चल 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 चल। मामा, तुम्हारा जवाब नहीं, राजा ना होते हुए भी राज करते हो राज। मतलब
मतलब बड़ा सीधा है, महाराज को परलोक सुधारे मुद्दत होगी, रियासत से कोई पैलेस को देखने आता नहीं, रहे बेचारे प्रिंस वो बचपन से स्विट्जरलैंड में रहते हैं, तो राज तुम्हारा ना हुआ तो क्या मेरा हुआ? I does not like it. जाओ जाकर गाड़ियां देखो, जाओ। अरे लल्लू जरा थोड़ी देना। गुरु ये लेना देना आप कल। लल्लू क्षमा करना गुरु, मैकेनिक एसोसिएशन के नियमानुसार आज के काम का समय समाप्त। अरे भाई मैं भी तो तुम्हारी तरह मजदूर हूँ, इतनी सख्ती तो भगवान की वर्कशॉप में मिली चलती होगी, कम से कम हाथ का काम तो पूरा करना चाहिए। मगर हम तो हाथ धो चुके गुरु। तो आप क्या नौकरी से हाथ धोने का इरादा है? माफ करना गुरु, नौकरी हमें अपनी जान से प्यारी नहीं है, अगर एसोसिएशन को मालूम पड़ गया कि ड्यूटी टाइम के बाद हमने उठा के आपको हथौड़ी दी तो एसोसिएशन उसी हथौड़ी से हमारा सर तोड़ देगी। मारेगा गुरु। कौन? वही वही कौन? कल वाली। अरे कल वाली कौन? थप्पड़ वाली। कौन तुम? सही जी हाँ बिल्कुल वही, फरमाइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? मुझे मरम्मत करवानी है। किसकी? गाड़ी की। ओ गाड़ी की। मेम साहब आप हर रोज नई गाड़ी बदलती हैं क्या? क्यों हमसे काम पड़ गए ना? फिजूल बातों में मेरा वक्त जाया मत करो। पर हमारे भी वक्त की कोई कीमत है मेम साहब, एसोसिएशन के क्लॉथ नंबर 3 के अनुसार 5 बजे के बाद हम काम नहीं करते। नहीं करते? लल्लू वो तो ठीक है, मगर क्लास नंबर 4 के हिसाब से हमारी एसोसिएशन ने औरतों के लिए कोई खास रियायत रखी है। रखी है? ओवर टाइम के साथ? तो ओवर टाइम ये देंगी। क्यों मैम साहब? मुझे मंजूर है। मैं भी मंजूर है। फरमाइए क्या खराबी है आपकी गाड़ी में? इंजन गर्म हो जाता है, चलते चलते रुक जाती है। ओह इंजन गर्म हो जाता है, ऐसा लगता है इंजन का स्वभाव बिल्कुल अपनी मालकिन पे गया है। व्हाट? इंजन गर्म हो जाता है मैम साहब। हेलो गुरु, गाड़ी स्टार्ट कर। लीजिए मैम साहब, अब ये जिंदगी पर रुकते रुकते चल तो सकती है मगर चलते चलते रुक नहीं सकती। पंजो। हाँ गुरु। ओवर टाइम ले ले। हाँ 50 रुपए। सॉरी इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, कल पहुंच जाएंगे। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, तो फिर गाड़ी भी कल ही पहुंच जाएगी। क्या कहा? ठीक कहा। ए मिस्टर। जी मैम साहब। क्या तुम्हारे यहाँ कस्टमर से ऐसा सलूक किया जाता है? जी नहीं, कैश पार्टी के साथ नहीं, उधार पार्टी के साथ बिल्कुल किया जाता है। देखिए ना मैम साहब क्या लिखा हुआ है, आज नगद कल उधार। नीचे वाला तुम सुना गुरु। उधार मोहब्बत की कैंची है। शट अप यू रोग्स। देखिए मैम साहब हमें कोई रोग नहीं, शायद आपको होगा, हम तो तीनों ही हट्टे कट्टे हैं। मैम साहब जल्दी फैसला कीजिए वरना हमारे ओवर टाइम का मीटर चालू है। चालू है। समझी? ये लो। हैं? अंगूठी? जी हाँ हीरे की अंगूठी। मैम साहब 50 रुपए की तो जरूर होगी। मैं कल 50 रुपए तुम्हारे मुंह पर फेंक कर ले जाऊंगी। मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने गिरे हुए हो। आ गया मजा, मिल गया बदला। हाँ पंजू मजा तो मिल गया, मगर मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की के साथ हमें ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। उठो निमी मेरा घर आ गया। रमेश डार्लिंग तुम्हारा ये घर हमारा घर कब बनेगा? मेरी जान तुम्हारा घर तो यहाँ पर है, इन ईंट पत्थर के घरों में क्या रखा है? राम सिंह मेम साहब को घर पे छोड़ देना। ओके निमी बाय बाय। बाय बाय। रमेश। जी डैडी। कौन थी वो लड़की? लड़की वो हाँ वो कौन थी वो? जी नाम तो मैं नहीं जानता। टाइपिस्ट की नौकरी के लिए आई थी। तो अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करवा दिया उसका? जी नहीं, दरअसल मैं लड़कियों को ऑफिस में रखने के खिलाफ हूँ। शट अप, हमें बनाने की कोशिश ना करो, अगर रचना तुम्हें इस हालत में देख लेती तो। जी हम जितना तुम्हें रचना के करीब देखना चाहते तुम उतना ही उससे दूर होते जा रहे हो। आज इतने दिन हो गए रचना को बंबई से आए हुए, लेकिन तुम लेकिन डैडी जब रचना खुद मुझसे दूर रहे
तो मेरी गैरत का भी तो कुछ तकाजा है। गैरत गैरत गैरत, हम तुम्हारी गैरत को देखें या रचना की दौलत को, जो कैश और प्रॉपर्टी मिलाकर 2-4-10 लाख नहीं पूरे 50 लाख होती। मैं जानता हूँ डैडी, लेकिन लेकिन शायद रचना के बाप की वसीयत भूल गए कि हम सिर्फ उसकी शादी तक उसके गार्जियन, उसके बाद हमें सब कुछ रचना को सौंप देना होगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी नालायकी से हमारे हाथ में आया हुआ 50 लाख रुपया किसी और के हाथ में चला जाए? जी नहीं। जी नहीं का बच्चा, अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो तुम्हारी रचना के साथ शादी कैसे होगी, हमारे ख्वाब कैसे पूरे होंगे? ये ना भूलो, अगर ये सोने की चिड़िया एक बार हाथ से निकल गई तो हम हाथ मलने के सिवा कुछ ना कर सकेंगे। कौन है वो सोने की चिड़िया अंकल? अरे आओ आओ बेटा, हम एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। हम रमेश से कह रहे थे कि वो हाथ से ना निकल जाए। क्या आपने अपने बेटे को इतना नालायक समझा है डैडी कि वो ऐसा गोल्डन चांस हाथ से जाने देगा? पगले, हम तो चाहते हैं कि भगवान तेरे जैसा बेटा हर एक बाप को दे, जिसने 4 ही दिनों में अपनी लियाकत से कारोबार और अपनी शराफत से हमारा नाम चमका दिया है। और फिर एक बेटा ही क्या, भगवान ने हमें कौन सी नेमत नहीं दी, दोस्त मिला तो देवता, जिसने मरते दम तक हमें कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हमारा कोई भाई नहीं, बस एक बेटी की कमी थी, तो भगवान ने दोस्त की निशानी के रूप में ऐसी बेटी दी जो हजारों में एक है। हजारों में एक नहीं डैडी, लाखों में एक। आप शायद ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। रचना, कुछ थकान सी महसूस हो रही है, जरा आराम करूंगी। Excuse me, मैं जानबूझकर बगैर इजाजत चला है। क्यों? इसलिए कि तुम ये ना समझो कि मैं तुम्हें गैर समझता हूँ। Excuse me, सोसाइटी में इसे बदतमीजी समझा जाता है। अजी गोली मारो ऐसी सोसाइटी। हमें क्या करना है सोसाइटी से? अब तुम्हें थकान सी महसूस हो रही है, अगर मैं तुम्हारे पांव दबाऊं तो सोसाइटी इसे भी बदतमीजी समझेगी, लेकिन मैं तो ना ना ना, ना। बड़े आदमी किसी के पाँव नहीं दबाया करते। तो फिर क्या दबाया करते हैं? गरीब का हक, मजदूर की मेहनत, गवर्नमेंट का टैक्स, थोड़ी चीजें हैं बड़े आदमियों के लिए दबाने को। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। एक्सक्यूज मी, जाते जाते जरा बेल दबाते जाइए। कहाँ है तुम्हारा गुरु? मेरा गुरु अठारी शनि राहु केतु। मेम साहब मेरा गुरु है पंचम स्थान में, वो भी उच्च के मंगल के पास। क्यों है ना जन्म कुंडली? मैं तुम्हारी कुंडली के गुरु को नहीं पूछ रही हूँ, तुम्हारे फटीचर गैराज के गुरु को पूछ रही हूँ। ओह मेम साहब, हमारे गुरु की आज आधा दिन की छुट्टी है, इसलिए वो लंच के बाद आएगा, और छुट्टी के समय वो आपसे तो क्या अपने बाप से भी नहीं मिलता। नहीं मिलता, मुझे क्या लेना है उसे, मैं तो पैसे मुंह पर फेंककर अपनी अंगूठी लेने आई हूँ। तो मेम साहब पैसे आप मेरे मुंह पर फेंकी, लेकिन अंगूठी तो है गुरु के पास। गुरु है चश्मे के पास, चश्मा है बाघ के पास। और बाघ ये हम क्यों बताएं कि बाघ है गैराज के पास? तो जाकर उसे बुलाओ, इतना टाइम का है हमारे पास। ओ शट अप, शट अप बोलती है। आ आ आजा, आ गई। आहा, तुम आ गई प्रिय, मुझे पूर्ण विश्वास था तुम आओगी, अवश्य आओगी। याद है प्रिय, पहली भेंट में तुमने उच्च प्रेमी के प्यार को अंगूठा दिखा दी, परंतु दूसरी भेंट में मेरे पुत्र प्यार ने तुम्हें अंगूठी भेंट करने पे मजबूर कर दी। बदतमीज, ला मेरी अंगूठी, ये लो अपने 50 रुपए। क्या कहा? मेरे अनमोल प्रेम का मोल केवल 50? बंद करो ये बकवास। है ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। शर्म नहीं आती? ला मेरी अंगूठी। देवी, आपके प्राणों से भी प्यारा आपका ये दास आपसे अति लज्जित है, कारण जो कार्य मुझे करना चाहिए था वो आपको करना पड़ा। अंगूठी तो सदा एक प्रेमी ही अपनी प्रेमिका को पहनाता है, मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। इस भूल के लिए मुझे क्षमा कीजिए
और मेरी तुच्छ भेंट को स्वीकार कीजिए। ये क्या, उठा अपना छला और ला मेरी अंगूठी। देवी, मुझे कदापि आपसे ऐसी आशा नहीं थी। आपकी प्रेम भेंट को मैंने तो सीने से लगा के रखा और आपने मेरे दिल को धरती पे पटक के टुकड़े टुकड़े कर दिया। समझी, तुम जैसे गुंडे से दूसरी जबान में बात करनी पड़ेगी। अरे मेम साहब, दिल की जबान से बात कीजिए, ये गुंडा खुद खुद आपका मुंडू हो जाएगा। ये लीजिए। मेरी मोहब्बत तेरी जवानी, चार दिनों की है जिंदगानी, तो आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी, आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी। मैं हूँ दीवाना, तू है दीवानी, हो ये सारी दुनिया है आनी जानी, तो आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी, आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी। कदर मेरी तू जानेगी, हो प्रीतम को पहचानेगी, आज नहीं तो कल तू मेरे प्यार को मानेगी, कदर मेरी तू जानेगी, हो प्रीतम को पहचानेगी। बरसेगा छम छम आंखों से पानी, ये सारी दुनिया है आनी जानी, तो आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी, आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी। मगर फिर आहें भरते हैं, एक दूजे पे मरते हैं, प्यार में अक्सर प्रेमी पहले झगड़ा करते हैं, मगर फिर आहें भरते हैं, एक दूजे पे मरते हैं। तेरी मेरी भी यही कहानी, ये सारी दुनिया है आनी जानी, तो आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी, आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी। कितनी नाजुक तू हाए, संभल ओए मोच न आ जाए, मारना ऐसे ठोकर तेरा पैर फिसल जाए, है कितनी नाजुक तू हाए, संभल ओए मोच न आ जाए। गुस्सा बुरा है समझी दीवानी, ये सारी दुनिया है आनी जानी, तो आ मेरी छल्लो ले जा छल्ला निशानी, आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी। मेरी मोहब्बत तेरी जवानी, चार दिनों की है जिंदगानी, तो आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी, आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी।
तुम्हारे टुकड़ों पर पड़ने वाले उस तोकाड़ी के मैकेनिक की ये जुर्रत कि तुम्हारे साथ ऐसी बदतमीजी से पेश आए, मालूम होता है उसकी मौत मेरे हाथ में की है। रमेश बाबू इस गाड़ी में मारे गए। रमेश बाबू आप, कोई गाड़ी खराब हो गई है क्या? मगर आपने क्यों तकलीफ की, मुझे घर बुला लिया होता। तुम इस काबल नहीं कि किसी शरीफ घर में अपने कदम रख सको। मैं पूछता हूँ तुम इतने बड़े घर की लड़की से बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? जी जी मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हें समझाने के लिए तो आया हूँ। लाओ वो अंगूठी कहाँ है? जी अंगूठी मैं समझ गया, अभी आता हूँ अभी आता हूँ। अबे लल्लू के बच्चे फिर वही हरकत? हरकत मैं समझा नहीं गुरु। अबे उल्लू की तुम, इतना समझाने पर भी नहीं समझा। समझ गया गुरु समझ गया। बेटा लल्लू आ गया फिर तेरे शनि में शनि। गुरु हो जाओ शुरू। माफ कर दो गुरु, माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? हाँ गुरु तुझे माफ कर दूं। हाँ गुरु। अरे मर गया गुरु, मैं तुझे माफ कर दूं। मर गया, मैं तुझे मर गया। हाय 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 हाय। अबे कमीने, ये गुल खिलाने से पहले ये तो सोचा होता कि बड़े घर की लड़कियों के साथ बड़े घर के लड़के ही बदतमीजी कर सकते हैं। इस दफा मुझे माफ कर दो गुरु, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी औकात भूल गया था। आइंदा से मैं छोटे घर के लड़कियों के साथ ही बदतमीजी करूंगा। शाबाश, लेकिन तू कुछ भी बोल, जो हरकत तूने आज की है उसके लिए तुझे मैं छोड़ूंगा। मर गया गुरु। अरे गुरु मर गया। अरे मेरा थोबड़ा फट गया गुरु। अरे मर गया, मर गया, समझ मर गया गुरु। तूने क्यों समझ गुरु मेरा गला छातू पर का हाथ उठा। अरे बाप रे, अरे मर गया रे, मर गया गुरु। अरे गुरु मर गया, अरे मर गया गुरु। मेरी जान आ रहा है गुरु। अरे मर गया, अरे मर गया, अरे मर गया गुरु। छोड़ दो इसको। रमेश बाबू आप इसे छोड़ सकते हैं, मैं नहीं। मैं इज्जतदार आदमी हूँ। अबे बाबू तू तो इज्जतदार मुझे बचाइए बाबू जी, मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप हट जाइए। ओए 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 रमेश बाबू माफ कर दीजिए। रमेश बाबू मैं शर्मिंदा हूँ आपसे, इस नालायक की वजह से आज मेरा मुंह काला हो गया। मुंह तो इनका काला गुरु। चुप्पे लाओ अंगूठी कहाँ है? कहाँ है वो अंगूठी? कहाँ अंगूठी? कहाँ अंगूठी? कहाँ अंगूठी? रमेश बाबू आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह सवेरे अंगूठी देवी जी के सामने पेश कर दी जाएगी। आप सिर्फ अपने दोनों हाथ जोड़कर देवी जी से माफी मांग लीजिए। क्या? मेरी तरफ से, मेरी तरफ से। चलिए 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 रमेश बाबू। सॉरी राजू, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं रमेश बाबू, गलती तो हर इंसान से हो ही जाती। बाय। झापड़ लगाने वाले, लाते जमाने वाले, इतना मुझे बता दे मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या है? अरे मुन्ना तेरा कसूर ये है कि तू बेकसूर था। वाह वाह, फिर से। तेरा कसूर ये है कि तू बेकसूर था। फिर से। और तेरा ग्रह था ऐसा कि तुझे पिटना जरूर था। गुरु बाकी सब बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि एक अच्छी खासी लव स्टोरी में ये विलन कहां से आ गया? आखिर इसका क्या रिश्ता उस लड़की से? यही तो मैं सोच रहा हूं लल्लू, आखिर इसका क्या रिश्ता उससे? बस क्या बताऊं रचना, मैंने उस बदमाश की वो पिटाई की है कि किसी हॉस्पिटल में पड़ा तड़प रहा हूं। ऐसा हुलिया बिगाड़ा है कि तुम भी देखोगी तो पहचान नहीं सकोगी। गुरु गुरु हाथ होगी, गुरु हाथ होगी। क्या हुआ रे? उस विलन रमेश चंद्र ने तुम्हारी उस मनचली के ऊपर अपनी पूरी धाक जमा दी। क्या मतलब? मतलब ये कि रमेश बाबू ने आपकी वो पिटाई की कि आप हॉस्पिटल में पड़े तड़प रहे। अरे क्या बक रहा है तू? बक नहीं रहा हूं गुरु, रमेश बाबू ने उस देवी जी के ऊपर रोब जमाने के लिए यही डिंग मारी। तुम्हें कैसे मालूम? गुरु अपनी सीआईडी भी कुछ काम नहीं है। ओ, इसका मतलब है अंगूठी किसी ढंग से ही वापस करनी पड़ेगी। Thank you.
आए। ए, कौन हो तुम? आए। मैं पूछती हूँ कौन हो तुम? हरी बदनसीबी, आज सुबह आईने ने भी मुझसे यही सवाल किया कि बदनसीब तू कौन है। मैंने कहा राजू। राजू? हाँ, आईने ने कहका लगा कर कहा, बेटा तू काजू तो हो सकता है मगर राजू नहीं। आए आ, आ, भला कहाँ ये लंगड़ाती चाल, खस्ता हाल, सितम दीदा, आफत रसीदा, नीम जिंदा नीम मुर्दा, और कहाँ वो राजू जिसकी शक्लो सूरत दस्तो बाजू, और उसकी आंखों का तराजू देखकर अल्लड़ दोशी जाए, दिल फरोशी पे उतर आए। आए दर्द कहाँ हो रहा है? मुझसे क्या पूछते हो दर्द किधर होता है? अरे एक जगह हो तो बताऊं कि इधर होता है। मगर तुम्हारी ये हालत? गुस्ताखी माफ मोहतरमा, इस खस्ता औजार को, मजलूम रोजगार को इस बात का इतना मलाल नहीं कि मुझे मेरे ही नौकरों के सामने जलीलो खार करके उनकी नजर में हमेशा के लिए गिरा दिया गया। मुझे इस बात का भी रंज नहीं, इस गरीब के खून को बदर्राव के गलीज पानी से भी सस्ता समझकर फर्शे खाक पे बहा दिया गया। मलाल है तो इस बात का, रंज है तो इस बात का, सदमा है तो इस बात का, एक हसीना ने अंगूठी का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। संभालिए अपनी अंगूठी, जिसने मुझे दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा, अब तो जी चाहता है कफन में मुंह छुपाकर इस दुनियाए फानी से थोड़ी देर के लिए रुखसत हो जाऊं। ऐसा ना कहो। कैसे ना कहूं? हम गरीबों का जमाने में सहारा क्या है? एक मरने के सिवा दूसरा चारा क्या है? और सितमगर तुझे लोग न जीने देंगे, हम तो मर जाएंगे बेमौत, हमारा क्या है? खुदा हाफिज। रचना, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि तुम्हें उस गरीब मकैनिक को इतनी बेदर्दी से नहीं मारना चाहिए था। नहीं मारना चाहिए था। अरे अरे वो इसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं था। ये तो कुछ भी नहीं रचना, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक भी दे सकता हूँ। लेकिन तुम्हें किसी गरीब की जान लेने का कोई हक नहीं। Thank you.
हमारी बच्ची का नाम लिख दीजिए, रचना मल्होत्रा। नहीं नहीं अंकल, नाम तो आप ही का होना चाहिए। पगली, हमारी जिंदगी की तो शाम हो चुकी, अब तो तुम लोगों का जमाना है, और फिर हमारे लिए तुम दोनों एक बराबर हो। थैंक यू दीवान साहब, थैंक यू मिस्टर रमेश, गुड बाय मिस्टर रचना, बाय बाय। अच्छा तो अब तक तुम हमें गैर समझती हो, तुम्हारे पिताजी इतनी बड़ी जायदाद हमें गैर समझ कर छोड़ गए थे, क्या इस पर हमारा कोई हक नहीं? क्यों नहीं अंकल, सब कुछ आप ही का तो है। तो बस फिर ये सब किसका है? खबरदार जो आइंदा हमारे साथ ऐसी रुखी बात की तुम। राजू जी, क्या हुआ इस गाड़ी को? जी, इसकी ब्रेक का मास्टर सिलेंडर खराब हो गया है, इसे गैरेज ले जाना पड़ेगा। ठीक है, जरा शेवरलेट को भी देख लेना, इसकी फैन बेल कुछ नॉइस करती है। जी बहुत अच्छा। काम नहीं करती।
आहिस्ता 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 रखो। बाबा जल्दी से किसी डॉक्टर को बुला दीजिए। चिंता मत करो बेटी, मैं अभी लेके आता हूँ। राजू 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 इतनी बरसात में बिटिया न जाने कहां चली गई, अभी तक आई नहीं। वो अब क्या आएगी बाबा? तुम कहां चली गई थी बिटिया? तेरा गांव से दूध लेने चली गई। अच्छा बिटिया, अब तुम भी कुछ खा लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आता हूँ। नहीं बाबा, मुझे भूख नहीं। धन न हो बेटी। बाबूजी, पहले आपकी चिंता में पानी तक नहीं थी, और अब आप अच्छे हो गए हैं, इस खुशी में भूख भी नहीं लग रही। इधर हम ये समझे कि वो कुछ कहेंगे, उधर वो ये समझे कि हम कुछ कहेंगे। बड़ी देर के बाद ये बात जानी, न वो कह सकेंगे न हम कह सकेंगे। जिम जिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। जिम जिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। मेरा
सपने मेरी आँखों में के दिन जिनके गीत सावन गाए आए भीगी भीगी रातों में मेरा दिल भी है दीवाना तेरे नैना भी है नादान से कुछ ना सोचा कुछ ना देखा कुछ भी पूछा ना एक अनजान से चल पड़े साथ हम कैसे ऐसे बन के साथी राहों में गिरिम झिमके गीत सावन गाए हाय भीगी भीगी रातों में बड़ी लंबी जी की बातें बड़ी छोटी ये बरखा की रात जी कहना क्या है सुनना क्या है कहने सुनने की अब क्या है बात जी बिन कहे दिल से कर ली बातें बातों में के जिम जिम के गीत सावन गाए हाय भीगी भीगी रातों में जिम जिम के गीत सावन गाए हाय भीगी भीगी रातों में पूछती हूँ तो क्यों मुझ दुखिया की जान के पीछे पड़ा है सच पूछ तो मुझे तेरी मोटर गाड़ी का काम ही पसंद नहीं आए दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है खबरदार अगर मोटर गाड़ी को हाथ लगाया तो मुझे नहीं चाहिए तेरी ये कमाई मुन्नी किसी से बाहर मत जाने देना मैं मंदिर होकर आती ओ मेरी दादी माँ अब तू मुंह फुला क्यों खड़ी है तुम्हें क्या पता कि हमने रात कैसे काटी कैसे बुरे बुरे विचार मन में आते रहे मगर तुझे इतनी चिंता करने की क्या जरूरत थी तुमने ठीक ही कहा भैया मुझे तुम्हारी चिंता करने की क्या जरूरत है मैं तुम्हारी सगी बहन थोड़ी ही हूँ खबरदार जो कभी ऐसी बात की मेरी अगर सगी बहन भी होती ना तो तुझसे प्यारी नहीं होती हाँ भाई रोवर तू भी बोल प्यारे हमें तो सबकी सुनने की आदत है देख मुन्नी ये भी गुस्सा कर रहा है चल हाँ तो मिस्टर कूपर हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं खिदमत तो आपकी हम करने आए हैं दीवान जी स्टेज से आपका पैलेस की मरम्मत का बिल पास होकर आ गया है ये लीजिए आपका चेक थैंक यू देखा दीवान साहब बिल में से मैंने एक पैसा भी कटने नहीं दिया थैंक यू मिस्टर कूपर मिस्टर कूपर इफ यू डोंट माइंड आई डज नॉट लाइक इट रिश्वत ये आपसे हमारा पहला बिजनेस है क्या आप मुझे इतना गिरा हुआ इंसान समझते हैं शायद आप नहीं जानते कि मैं VIP हूं वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन और इंपॉर्टेंट पर्सन कभी अपने हाथ से रिश्वत नहीं लेते ओह आई सी मिसेस कूपर स्मॉल प्रेजेंट
थैंक यू दीवान साहब, गॉड ब्लेस यू। मिस्टर कूपर, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी हम पर इसी तरह मेहरबानी की नजर रखेंगे। जी वो तो ठीक है, मगर ऊपर वाले की नजर भी तो ठीक होनी चाहिए। मैं समझा नहीं। दीवान साहब, उड़ती सी खबर सुनने में आई है कि प्रिंस यहाँ की जायदाद बेचने के लिए स्विट्जरलैंड से आ रहे हैं। मिस्टर कूपर, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। अच्छी खबर? जी हाँ, आप अगर चाहें तो अब हम सब हाथ रंग सकते हैं। वो कैसे? देखिए मिस्टर कूपर, आप किसी तरह प्रिंस को बताकर उनकी ये सारी जायदाद हमें कम से कम कीमत पर दिलवा दीजिए, फिर देखिए मजा। दीवान साहब, ये तो उड़ती सी खबर है, प्रिंस का क्या भरोसा, आए ना आए मगर इस मंडे को उनका जन्मदिन जरूर आ रहा है, जो हर साल की तरह इस साल भी निहायत धूमधाम से मनाया जाएगा। दीवान साहब, आप आना ना भूलिएगा इस मंडे को। जी मिस्टर कूपर, अगर हम एक जरूरी काम से दिल्ली ना गए तो जरूर आएंगे, नहीं तो रमेश और रचना आ जाएंगे। रचना को तो आने को मांगता है, वो कोई मेहमान थोड़ी है, वो तो इस पार्टी का जान है जान। क्या मतलब? इफ यू डोंट माइंड दीवान साहब, रचना को इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए हमने पहले से राजी कर दिया है। वेरी गुड दीवान साहब, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते। यस स्पीकिंग। ओके बाय जन, बाय जन। यस बाय। आइए आइए रमेश बाबू। हेलो मिस्टर कूपर। हेलो। दीवान साहब नहीं आए? दीवान साहब तो आज दिल्ली चले गए। दीवान साहब को दिल्ली बड़ी पसंद है, मालूम होता है दिल्ली पे दिल आ गया है। आइए आइए चलिए। Ladies and gentlemen, I don't like it. Ladies and gentlemen, आज प्रिंस युद्धवीर के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप लोगों ने जो यहां पधारकर फंक्शन की रौनक को बढ़ाया है, उसके लिए हम प्रिंस की तरफ से आप सब साहिबान का शुक्रिया अदा करते हैं। इस फंक्शन की शान को दुबला करने के लिए हम आपके सामने एक प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले कलाकारों के नाम हैं कुमारी रचना मल्होत्रा और मेरा भांजा राजू। इस प्रोग्राम का नाम है पहेली। नाउ ओवर टू पहेली। बोलो बोलो। प्रीत नहीं, रीत नहीं, नींद नहीं, डोरी डोरी नहीं, गोरी। वो कौन है, वो कौन है जग जिससे डरता है? वो कौन है, वो कौन है जग जिससे डरता है? जागता है रात भर और आहे भरता है। बोलो बोलो। मोर नहीं, चोर नहीं, चकोर नहीं, दिया दिया नहीं पिया। हाँ
देखा जाएगा, अरे जीत न तू पाएगा, जो होगा देखा जाएगा, बात बता एक राजा, रानी सब कुछ पूछ ले आजा। दुआ नहीं याद, याद नहीं फरियाद, वो कौन है वो कौन है, एक उलझन होती है, वो कौन है वो कौन है, एक उलझन होती है, दोस्त अगर आती है लेकिन दुश्मन होती है, बोलो बोलो, रात नहीं घात नहीं बारात नहीं निशानी नहीं जवानी। जरा ये खोलो, अजी बोलो जी कुछ बोलो, भेद जरा ये खोलो, बोलो बोलो जी कुछ बोलो, प्रेम पहेली बूझो, पूछो ये जी कुछ भी पूछो, वो कौन है वो कौन है, वो कौन है वो कौन है, वो कौन है वो कौन है, देश जाती है प्रेमियों के लेके वो संदेश आती है, बोलो बोलो, लगन नहीं किरण नहीं पवन नहीं मिट्टी मिट्टी नहीं चिट्ठी, दीवाना दीवाना नहीं अनजाना। नजरों में गुजरे तुम्हें परसों बीत गए, लेकिन हमारे लिए तुम आज भी जिंदा। दोस्त मर सकता है लेकिन दोस्ती कभी नहीं मर सकती। जब भी वो घड़ी आ जाती है तो बेख्तियार हमारी आंखें भीग जाती। जब तुमने कसम दिलाकर हमसे ये वचन लिया था कि तुम्हारे बाद रचना के सर पर हमारा हाथ रहेगा, कहां तक हमने उस वचन का पालन किया है ये तो भगवान जानता है या तुम्हारी आत्मा। कितना चाव था तुम्हें रचना को हमारे घर की बहू के रूप में देखने का, मगर खैर अब तो दिन रात यही प्रार्थना है कि भगवान हमें तुम्हारी आखिरी मनोकामना पूरी करने की शक्ति दे। उठो बेटा, हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं,
अपनों को याद करके दिल भर ही आता है। रमेश, यस डैडी, क्यों ना तुम रचना को आज ही कहीं वीकेंड के लिए बाहर ले जाओ। दैट्स अ गुड आइडिया, मैं भी यही सोच रहा था। नहीं अंकल, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इसलिए तो कह रहा हूँ कि चेंज भी हो जाएगा और तबीयत भी ठीक हो जाएगी। अच्छा तो डैडी, मैं जाने की तैयारी करता हूँ। मजा आ गया। अरे खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। क्या मतलब? मुझे उस बोर के साथ जाकर बोर होना पड़ेगा और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अरे देवी जी, मैं उस बोर की बात नहीं कर रहा, मैं तो इस दीवाने की बात कर रहा हूँ। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। वो कैसे? मजा तो जब है मेम साहब, आप रमेश के साथ जाएं और हम अपना वहां डेरा जमाएं और उस बोर को उल्लू बनाएं। उल्लू प्रॉमिस। ये हुस्न, ये इश्क, ये तन्हाई, ये रात का आलम क्या कहना। तूफान की सूरत उमड़े हुए जज्बात का आलम क्या कहना। वाह, क्या कहना, मैंने ऐसे पहले तुम्हें कभी इतने मूड में नहीं देखा। दरअसल माहौल का लुत्फ उठाने के लिए खूबसूरत कंपनी का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सच कहा है तुमने, अगर कंपनी अच्छी ना हो और दिल से दिल न मिले तो इंसान बोर भी हो जाता है। यू आर राइट, किसी ने यूं ही तो नहीं कहा। मोहब्बत रंग दे जाती है दिल जब दिल से मिलता है। बहुत खूब, जरा फिर फरमाइए। अर्ज किया है, मोहब्बत रंग दे जाती है दिल जब दिल से मिलता है। मगर मुश्किल तो ये है, दिल से दिल मुश्किल से मिलता है। ये मिलती जुलती चीजें मिलते जुलते मिल ही जाती हैं। अर्ज करता हूं, ये मिलती जुलती चीजें मिलते जुलते मिल ही जाती हैं। पन दिख रहा, चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। साहब जी, हाँ जेटा मैं कोट वंडर आ जाऊं। अरे बहुत फाइन मॉडल भाई। माय लवली स्टूडेंट, माय प्यारी जैकेट, कैंसर दिख रही है। प्रिंसिपल साहब, तशरीफ रखिए। रखो, तैयार है यहाँ? यहाँ रखिए। वाह वाह, थैंक यू वेरी मच। आओ और ही दिख रही, आओ आओ। वैसे दिख रहा है। रमेश, आप बॉम्बे में हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल थे, मिस्टर रुस्तम जी सोराब जी, बंदूक वाला। बंदूक वाला? अरे घबराओ नहीं, दिख रहा, हमारे पास तो पिस्तौल भी नहीं थी। आज तो बड़ा सार नेम थे। और आप है? आई तो भाई जी नहीं। प्रिंसिपल साहब, मैं इनका भाई नहीं। हम जी को तो आठ आई बहन थे। प्रिंसिपल साहब, जरा सोच कर बात कीजिए। अरे ये तो गलत बात, हमारी तो आदत से दिख रहा है कि सोचूं बाद में वाट करूं पहले। रचना, हाथ धोती है मजाक। माफ करना, दिख रहा कोई नारंग में बांग डालू। आए प्रिंसिपल में प्रिंसिपल ने थी, पर अगर तुमको बुरा लगता है, इफ यू डोंट लाइक इट, आई एम गोइंग। हूं चली जाऊं दिख रही? नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब, ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं जाने दूंगी। जो जो दिख रहा देखो देखो, इसको बोलते हैं प्रेम। कौन कहता है कि आजकल के जमाने में उस्ताद शागिर्द के बीच में प्यार नहीं है। जीती रहो मारी दिख रही डार्लिंग। अरे जीती हो रही दिख रहा, इफ यू डोंट माइंड, एक ब्रांडी आपनी छोटी सी। मगर प्रिंसिपल साहब, आपने ये तो बताया ही नहीं, आप यहाँ कैसे? अरे सू कौन दिख रही, दिल ने बीमारी कुड़ाया, दिल ने बीमारी। दिल की बीमारी? अरे इतनी नामुराद बीमारी से दिख रहा, बेडोरा पड़ी गया छे। डॉक्टर ने कहा तीसरा डोरा पड़ने से पहले पहाड़ का डोरा करो। नहीं लेकिन प्रिंसिपल साहब, दिल की बीमारी के लिए तो पहाड़ का डोरा बहुत खतरनाक होता है। अरे टमाटो समझो नहीं, गेल डोरा डोरा नहीं बांट छे, अपना टोल लो ब्लड प्रेशर ना डोरा छे भाई। तरक ब्रांडी आपने? मगर आप ठहरे कहाँ? ठहरो हाँ, हमने तो इधर ही ठहरने का इरादा भाई। सुन दिख रहा, तुम्हें खटमल काटे छे। अरे माफ करना दिख रहा, अपना तुम्हें इधर ठहरने का कोई एतराज तो नहीं? जी मुझे क्या एतराज हो सकता है, अगर आपकी बेटी को कोई एतराज नहीं। सुन बेटी, तुम्हें तो टड्डन खेल छो यार। ठीक ही तो कहा है, शागिर्द औलाद के बराबरी तो होते हैं उस्ताद के लिए।
मेरा बहु मोटा उस्ताद मरिया दिखरी मरिया डोरो डुल्लो दिखरी तीसरो तीसरो मरी गया और हमारा दिल ना दुश्मन काय को मेरे को प्लान दे दिया तुमने मेरा दिल तो एरोप्लेन के माफक फ्लाई कर दिए जस्ट लाइक बोइंग 707 अरे खुदाया मरी गया अरे मरी गया अरे मरी गया अरे मारा दुश्मन अरे डॉक्टर ने बुलाओ नहीं ये क्या रहे हो जल्दी डॉक्टर को बुलाओ ये जिंदगी का सवाल है अरे खुदाया अरे मरी गया आओ 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 गया मान गए कमाल कर दिया तुमने एंड वक्त पर पहुंचे मैं तो बोर हो चुकी थी बचा जब जब मेरे भक्तन पे कष्ट आता है मैं किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाता हूँ अरे ये क्या कर रहे हो अगर वो वापस आ गए तो अरे वह सुबह तक वापस आ जाए तो गनीमत समझो क्या मतलब मतलब ये कि गाड़ी का पेट्रोल साफ उस बदनसीब आशिक की गाड़ी जंगल में ऐसी जगह रुकेगी जहाँ पेट्रोल तो पेट्रोल पानी नहीं मिलेगा जरा ये मेरी प्रॉपर्टी संभाल कर रखो अगले सीन में फिर काम आएगी अरे वाह क्या बात है बात बनी ढोंगी कहीं के दिल की बीमारी अरे मैम साहब दिल का बीमार नहीं होता तो हसीन डॉक्टर को मारा मारा तलाश क्यों करता फिरता हाय बड़ा ही नामराद रोग है परार खोया मोहब्बत में इस जमाने ने ये बात सच ही कही है किसी दीवाने ने कि जान चली जाए जिया नहीं जाए जिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए कि जान चली जाए जिया नहीं जाए जिया जाए तो फिर जिया नहीं जाए समझे ये बातें प्यार की ये क्या जाने ये क्या समझे ये बातें प्यार की के प्यार हर किसी से No!
कि मुझे नहीं उसे जरूरत पड़ेगी। Impossible। उस दो कौड़ी के मकैनिक की ये हिम्मत ये जुर्रत हमें यकीन नहीं आता। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है डैडी। तो फिर तुम शर्म से डूब क्यों ना मरे? तुमने ये तौहीन कैसे बर्दाश्त? मैं क्या करता डैडी, जब रचना खुद उस बदमाश के हाथों खेल रही। इसमें रचना का क्या कसूर? इस उम्र में कोई भी उसे बहका सकता है। खैर कोई बात नहीं, कीड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है।
कहाँ है राजू? जी, वो बाहर गया है, कुछ कहना था उसे। हाँ, अगर तुम अपने नालायक और आवारा बेटे की जान की सलामती चाहती हो तो कह देना उस गंदी नाली के जलील कीड़े को कि वो अपनी औकात से बाहर ना जाए। जी, उसे कोई भूल हो गई क्या? ये पूछो कि उससे क्या नहीं हुआ। उसने हमारी इज्जत पर हाथ डालकर हमारी गैरत पर हमला किया, हमारी मासूम रचना को बहकाकर। उस भिखारी ने महलों के ख्वाब देखने की जुर्रत की। कह देना उसे कि अगर वो चार दिन चैन से काटना चाहता है तो दीवान महेंद्रनाथ के रास्ते से हट जाए। हमें उस गुंडे की जवानी पर नहीं, तुम्हारे कमजोर बुढ़ापे पर रहम आता है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे हाथ से एक बेवा की लाठी टुकड़े टुकड़े हो जाए। अच्छी माँ, मत कर मुझे माँ। मेरे जीवन पर की तपस्या पर तूने पानी फेर दिया। तेरे पैदा होते ही मैं अपने गला घोट कर मर क्यों नहीं गई? कम से कम मुझे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। क्या हो गया? क्या हो गया? तेरी करतूत ने मुझे क्या क्या नहीं सुनवाया? क्या किया है मैंने? इतने बड़े घर की लड़की पर आंख उठाकर देखने से पहले अपनी औकात तो देखी हो। बोल, कौन आया था यहाँ? बोल माँ, कौन आया था यहाँ? किसने भड़काया है तुम्हें मेरे खिलाफ? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ माँ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजू भैया, राजू भैया, दीवान साहब तुमको ढूंढ रहे थे और बहुत गुस्से में थे। तूने अपने निर्दोष बेटे पर हाथ उठाकर ममता के मुंह पे तमाचा मारा है। आप चौंक क्यों गए? सुना आप मुझे मिलने के लिए बहुत बेचैन थे, फरमाइए। समझा, शायद तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई है। माफ कीजिए दीवान साहब, अगर भगवान ने जिंदगी और मौत का इख्तियार आप जैसे दौलत के दीवानों को दिया होता तो शायद हम जैसे गरीब इस दुनिया में पैदा ही नहीं होते। क्या बकते हो, हम पूछते हैं तुम्हें यहाँ आने की जुर्रत कैसे हुई?
इसी सवाल का जवाब मैं पूछने आया। आपको मेरे घर में मेरी गैरहाजिरी में दाखिल होने की जरूरत कैसे? तुम होश में तो हो? दीवान साहब, इस सवाल का जवाब भी मैं आपसे मांगता हूँ। जब आपने मेरी देवी जैसी माँ की बेइज्जती की, उसे धमकियां दी, तो क्या आप उस वक्त होश में थे? बेशर्म बेगैरत, बजाय इसके कि अपने किए पर शर्मिंदा होकर तुम हमसे माफी मांगो, हमें आंखें दिखाते हो। इस बात की माफी, मैंने चोरी की है, खून किया है, क्या गुनाह है मेरा? तुम्हारा ये गुनाह क्या कम है कि तुमने अपनी औकात को भूलते हुए एक ऊंचे और आला खानदान की लड़की को बहकाकर हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहा? दीवान साहब, मोहब्बत किसी सरमायादार की आंख नहीं जो ऊंच नीच और छोटे बड़े की तमीज करे। मोहब्बत तो कुदरत की वो देन है जिसकी नजर में अमीर गरीब सब बराबर है। अगर मोहब्बत गुनाह है तो मुझे अपने गुनाह पे नाज है। न जाने किसने मेरा हाथ रोक दिया दीवान साहब, आपकी बुजुर्गी ने या मेरे शरीफ खून? शरीफ खून, शराफत और तुम्हारे खून में, इससे बड़ा मजाक हमने आज तक नहीं सुना। न जाने तुम्हारी रगों में किस दलील आदमी का। तुम्हें मेरी कसम, जो तुमने इन पे हाथ उठाए तो राजू, तुम्हें मेरी कसम, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। प्रिंसिपल साहब, जरा इस शागिर्द को भी तो अपनी सेवा का मौका दीजिए। राम 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 राम, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, ये तुम क्या कह रही हो जानकी बहन? दीवान महेंद्रनाथ और राजू का बाप? अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं, एक तरफ बेटा और एक तरफ पति। जिस नीच ने तुम्हारी और राजू की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, मैं उसे सीधे रास्ते पर लाकर छोड़ूंगा। नहीं नहीं भैया, तुम वहां मत जाना, अगर ये भेद उन पर खुल गया तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। तो क्या तुम ये चाहती हो कि ऐसे दगाबाज और फरेबी को यूं ही छोड़ दिया जाए? लेकिन तुमने नहीं जानते भैया, जब जब उस शादी के बाद मुझे धोखा देकर चले गए, तो मैंने कहां कहां की ठोकरें नहीं खाई उन्हें ढूंढने के लिए, और आखिर जब मिले तो वो दूसरी शादी कर चुके थे। मैं उसे मां बनने वाली थी, मैंने उनके हाथ जोड़े, पांव पकड़े, कहा कि मुझ पर नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे पर दया कीजिए, लेकिन उन्होंने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया, यहां तक कि मुझे धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। अगर मेरा कोई दोष था तो बस यही कि मैं गरीब थी, और आज मेरे राजू का दोष भी वही गरीबी है जिसने बाप को बेटे की जान का दुश्मन बना दिया। जानकी बहन, काश उस वक्त तुमने मुझे उस पापी का नाम और पता बता दिया होता। मैंने इस राज को हमेशा के लिए अपने सीने में छुपा लेना है, अपने और अपने बेटे की भलाई समझा। उस वक्त तुमने मुझे सहारा देकर मुझ पर मेरे बेटे पे बहुत बड़ा एहसान किया था, आज एक एहसान और कर दो। तुम्हें मेरी कसम भैया, ये राज राजू को भी न मालूम होने पाए, कहीं बेटा बाप का दुश्मन हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। भैया, मैं तो चाहती हूँ राजू को लेकर कहीं दूर चली जाऊं। दूसरी शादी कर चुके थे, मैं उस वक्त मां बनने वाली थी, मैंने उनके हाथ जोड़े, पांव पकड़े, कहा कि मुझ पर नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे पर दया कीजिए,
लेकिन उन्होंने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया, यहाँ तक कि मुझे धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। मैं ऐसे जालिम और कमीने आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाप नहीं, बाप के पितृ रिश्ते पे धब्बा है, मैं वो धब्बा मिटा के छोड़ूंगा, मिटा के छोड़ूंगा। शाबाश मेरे दोस्त, खूब सोचा है तुम। बेटा हो तो ऐसा, अपनी मां के सुहाग को उजाड़ कर उसके एहसानों का बदला चुकाने का यही तो एक रास्ता है। एक दिन मैं भी उस मगरूर को लाकर अपनी मां के कदमों में न डाल दूं तो मेरा नाम भी राजू नहीं। वाह वाह, ये तो और भी आसान रास्ता है। अरे बेवकूफ, जिस जालिम ने तुम्हारी मां के पवित्र कदमों को अपने घर में दाखिल नहीं होने दिया, इतनी आसानी से उसके कदमों में झुक जाएगा? पागल, ये भी जानते हो इस सारी मुसीबत की जड़ क्या है? दौलत, सिर्फ दौलत। दौलत? हाँ, मैं यकीन से कह सकता हूं, अगर तुम्हारा बाप दौलतमंद ना होता तो तुम मां बेटे की यह हालत कभी ना होती। हाँ, तुम ठीक कहते, लेकिन लेकिन मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। गिरा दो उस दौलत की दीवार को जो तुम्हारे अमीर बाप और गरीब मां के दरमियान खड़ी है। यही एक रास्ता है जिससे तुम हमेशा हमेशा के लिए अपनी मां के आंसू पोंछ सकते हो और उसकी जिंदगी में खुशियां बिखेर सकते हो। मगर ये कैसे हो सकता है? उसे दौलत का लालच देकर कंगाल बना दो, अपने मामा की मदद लेकर बन जाओ थोड़ी देर के लिए प्रिंस युद्धवीर। प्रिंस? मैं? मगर यह सब कुछ तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैं तुम्हारी और मां की बातें सुन चुका हूं। सुन चुके हो? मामा, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं दीवान साहब से बदला ले सकता हूं। मदद करना तो क्या, मैं तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी भी दे सकता हूं। बोलो क्या करना है। मामा, ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। वॉचमैन, अभी तो तुम जिंदगी देने का बात करता था। अरे जिंदगी की बात तो ठीक है पंपी, लेकिन ये तो मौत की बातें कर रहा है। ना भाई ना, ऐसी खतरनाक गेम मैं नहीं खेलूंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। बट ऐसा कौन सा बात है, हम भी तो सुनने को मांगता। सुनो सुनो, अब तुम ही बताओ कैसे हो सकता है। कैसे नहीं होने को सकता, ठोकर एकदम हाई क्लास बात सोचा है। लेकिन आई डज नॉट लाइक इट। व्हाट? ठीक है मामा, मुझे अपना कोई अफसोस नहीं। अफसोस है सिर्फ इस बात का कि तुम्हें अपनी बहन से भी कोई प्यार नहीं रहा। गलत, बिल्कुल गलत। अपनी बहन के लिए मैं अपनी जान पर भी खेल जाऊंगा। ओ मैन, जान पे बाद में खेलना, अभी वो गेम खेलो जो चोकरा बोलता है। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। जाओ बेटा, जो तुम चाहते हो वही होगा। जी मामा, थैंक यू वेरी मच। मामा, एक वादा करो कि जब तक ये मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, इस बात का मेरी माँ को पता नहीं चलेगा। ओ मैन, तुम क्या बात करते हैं, तुम्हारी माँ तो क्या, तुम्हारे बाप को भी पता नहीं चलेगा। ओ डार्लिंग मामी। वो दीवान का बच्चा भी क्या समझता है, अब तो साले को मानना पड़ेगा कि मैं उसका साला हूँ। Am I correct, darling? Yes, my lollipop. Slowly, slowly, slowly. What slowly? You can't stand? तो ठीक तो है ना? माँ, ये क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं रे। तू छुपा क्यों रही है? नहीं तो बता ना। राजू, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? माँ, क्यों पाप चढ़ाती हो मुझे? अच्छा ये बता राजू, तूने वहां झगड़ा तो नहीं किया ना? बोल। झगड़ा? मेरी भोली माँ, अरे मैं तो वहां गया ही नहीं। सच? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तू वहां नहीं गया।
बड़े आदमी सूझना हम गरीबों का काम नहीं। तू ठीक कह रहा है राजू। माँ तू अगर बुरा नहीं माने तो एक बात कहूँ। मैं सोचता हूँ कि हम क्यों ना इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ दें। हाँ माँ, आज ये सब कुछ देखकर मेरा मन कुछ उजाट सा हो गया है। दूसरे की आंख में खटक रहने से अच्छा है हम कहीं और चले जाएं। रहा दो रोटी का आसरा, वो तो कहीं भी हो सकता है। तूने तो मेरे मन की बात कही राजू। सुख से शांति कहीं अच्छी है। तो बस माँ, मैं एक आध दिन में किसी दूसरे शहर में जाके सब बंदोबस्त किए देता हूँ। ठीक है। मिस्टर कूपर, आज आपको यहाँ आने की फुर्सत कैसे मिल गई? दीवान जी मंदिर में दर्शन करने गया था, सोचा रास्ते में चलते चलते आपको भी दर्शन दे चलूं। बहुत बहुत शुक्रिया। गप्पे छोड़ो मैं और चलो, सौ तरह की तैयारियां करनी है। तुमको मालूम नहीं कल वो आ रहे हैं? ओह बम्पी, I'm sorry man। कौन आ रहे हैं? इसका बाप। और अब साहब को कभी कोई भेद की बात नहीं बतानी चाहिए। मिस्टर कूपर, हमारे साथ कैसा भेदभाव, बताइए ना कौन आ रहे हैं? दीवान साहब, मैं राजनीति के हाथों मजबूर हूं। भाई दीवान साहब, अब मैं आपसे कैसे कहूं कि प्रिंस कल स्विट्जरलैंड से यहां आ रहे हैं? प्रिंस आ रहे हैं? आहिस्ता बोलिए। उन्होंने टेलीप्रिंटर पर मुझे हुक्म दिया है कि उनके आने की खबर यहां किसी को ना होने पाए, यहां तक कि प्रेस को, फोटोग्राफर्स को, ना किसी पशु को, ना किसी पंछी को। इसीलिए मैंने तोता मैना के पिंजरे उठवाकर गोदाम में रखवा दिए। अगर ये सब क्यों? दीवान साहब, ये दौरा सरकारी नहीं, व्यापारी है। व्यापारी? जी, वो उड़ती उड़ती खबर सच निकली। प्रिंस साहब यहाँ अपनी जायदाद बेचने के लिए आ रहे हैं। सच? जी। तो फिर देर किस बात की है मिस्टर कूपर? आप अगर चाहें तो हमारे और आपके सपने सच हो सकते हैं। जल्दी से प्रॉपर्टी का वाजबी कीमत पर सौदा करवा दीजिए, फिर आप देखिए। दीवान साहब, ये काम इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। फिर भी मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा, मगर वायदा नहीं। मिस्टर कूपर, आप एक बार में प्रिंस से मिलवा दीजिए, फिर देखिए। दीवान साहब, ये काम भी इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। फिर भी मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा, वायदा नहीं। बात पूरी पूरी कोशिश में दीवान साहब, हम कोशिश भी करेगा, वायदा भी करता है, लेकिन आप भी वायदा कीजिए विलियम की मिठाई का। मिसेस कूपर, हमारा ये काम हो जाए तो हम आपको माला माल कर देंगे। वंडरफुल, तो आप गॉड का नाम लेके कल सुबह 10 बजे पेरिस पहुंच जाइए, जो होगा देखा जाएगा। कम ऑन मैन, कम ऑन, कम। दीवान साहब, इस बात की हवा बाहर ना जाने पाए। घबराइए नहीं मिस्टर कूपर। थैंक यू। रमेश, रमेश, कहाँ जा रही हो रचना? माँ जी से माफी मांगने। मगर वो तो शिवपुरी यात्रा पे गई है, क्या सोच रही हो? राजू, कल जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। क्या मतलब? सुनोगी तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। आखिर बात क्या है रचना? ये दीवान साहब है ना, ये मेरे पिता हैं। पिता? ये क्या कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? वो एक बहुत लंबी कहानी है रचना, कभी बाद में सुनाऊंगा। इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैंने दीवान साहब को सीधे रास्ते पर लाने के लिए एक तरीका ढूंढा है। वो क्या? कल से तुम मुझे राजू के रूप में नहीं, प्रिंस युद्धवीर के रूप में देखोगी। क्या बात है, अरे वाह गुरु वाह। माताजी ने तुम्हारा नाम राजकुमार शायद इसी दिन के लिए रखा था। अब तो अगर असली प्रिंस भी सामने आ जाए ना तो वो भी शर्मा जाए। रेडी सी, आई एम सॉरी सर। राजू मैडम, सॉरी, योर हाइनेस, वो लोग आ रहे हैं। आ रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं, मगर जरा होशियारी से। डोंट यू वरी मामा। ललू बनू मामा, इस कुर्सी पे बैठते ही हमें पिताजी की याद आने लगी। कहाँ हैं पिताजी? पिताजी अपने पुत्र के दर्शनों के लिए बाहर निहायत बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। हाँ,
इसी दिन का हमें भी इंतजार था। मामा कर तू शुरू ड्रामा। गुरु ड्रामा नहीं, हंगामा हंगामा। मिस्टर कूपर, योर हाइनेस, हम इस वक्त आराम फरमाना चाहते हैं। योर हाइनेस, अगर आप आज्ञा दें तो ये बंदा आपसे कुछ अर्ज करना चाहता है। यहाँ कुछ आपके चाहने वालों की आंखें आपके दर्शनों को तरस रही हैं। मिस्टर कूपर, क्या आपको हमारा ऑर्डर नहीं मिला? क्या आप इस हकीकत से बेखबर थे कि हमारे आने की खबर किसी को नहीं मिलनी चाहिए? नो मीटिंग, नो ईटिंग, नो पार्टी, नो फोटोग्राफी। राइट योर हाइनेस। तो फिर आपको किसी को यहाँ बुलाने की जरूरत कैसे हो? योर हाइनेस, उनकी श्रद्धा और उनका प्रेम देखकर मेरा दिल मोम की तरह पिघल गया। मिस्टर कूपर, हम आपके दिल को देखें या अपने वक्त को? एडीसी, यस सर, हमारे पास कोई फालतू वक्त है? अपने पास समय वक्त के और है ही क्या? सर, बड़ी मुश्किल से पौने दो मिनट का टाइम निकाला जा सकता है। ठीक है, ठीक है, मुलाकात को अंदर बुलाया जाए। यस सर। गुरु मारे गए। क्या हो रहे? जल्दी में गैरेज को ताला लगाना भूल गया। अरे उल्लू की दुम, ये ड्रामा खत्म करते ही जाके ताला लगा देना। अगर कहीं चोरी हो गई तो हम राजा से रंक बन जाएंगे बेटा, रंक। चलिए दीवान साहब। विश यू गुड लक दीवान साहब, गो, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। गो गो। गुरु आगे, गुरु आगे, आगे। एडीसी, यस सर। स्विट्जरलैंड राजमाता को फौरन केबल भेज दो कि हम कुशल से यहां पहुंच गए और थोड़े ही दिनों में सारे काम खत्म करके वापस पहुंच जाएंगे। और ये भी लिख दो कि वर्ल्ड बैंक को कॉन्टेक्ट करके 25 करोड़ रुपया स्विट्जरलैंड ट्रांसफर करा ले। दैट्स ऑल। योर हाइनेस। यस। आप हैं दीवान महेंद्रनाथ, शहर के बहुत बड़े रईस। ओ, शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं दीवान साहब? आप तो हमारे पिता समान। जी, वेरी हैप्पी टू मीट यू। इट्स एन ऑनर हाइनेस। योर हाइनेस, आप हैं रमेश चंद्र, दीवान साहब के सुपुत्र। हाउ डू यू डू सर। एडीसी, मिस्टर रमेश, आप तो इनके पिता समान नहीं है, आपको बाकायदा झुकना चाहिए। मिस्टर कूपर जी, सबसे पहले आपको एक लेडी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। ब्यूटी, चार्म, स्वीट, वेरी हैप्पी टू मीट यू यंग लेडी। गरीब खाने पे तशरीफ आवरी का शुक्रिया। आइए। मे आई नो योर स्वीट नेम प्लीज? रचना। ओ रचना, वेलकम, प्लीज सिट। मिस रचना, हम इंडियन वुमनहुड के ऊपर एक किताब लिख रहे हैं, उसके बारे में आपसे मदद चाहेंगे। जरूर। मिस्टर कूपर, दीवान साहब। वंडरफुल, मजा आ गया। वो तो सब ठीक है रचना, मगर अब देखना ये है कि बाप बेटे किस मुकाबले में जीत किसकी होती है। सिर्फ तुम्हारी। वंडरफुल, वंडरफुल। मिस्टर कूपर, हमें तो यकीन नहीं आता कि हमारे जैसे छोटे और मामूली आदमी को इतनी बड़ी हस्ती ने पिता समान कहा। आई डज नॉट लाइक इट। कुछ गलत तो नहीं कहा उन्होंने? आप उनके पिता समान नहीं तो क्या पुत्र समान है? वो तो ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये था कि ऊंचा खून आखिर ऊंचा खून है। ब्लू ब्लड इज ब्लू ब्लड। जी दीवान जी, मैंने जिंदगी में ब्लू ब्लड, रेड, येलो और वाइट ब्लड बहुत देखे हैं। दरअसल ब्लड तो रेड ही होता है, रंग तो ये चेंज करता है। और अंदर की बात तो ये है कि प्रिंस के पिता, आई मीन्स महाराज ने प्रिंस की माता से शादी करके उसे उस वक्त ठुकरा दिया जब वो बेचारी गर्भवती थी। ची, 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 ची। इतना बड़ा आदमी और ऐसी नीचता। अजी हमें इन बातों से क्या, बस अपना ये काम बन जाए तो हम सबके वारे न्यारे हो जाए। वारे न्यारे होने के सपने हम ही नहीं देख रहे प्यारे, इस जायदाद के लिए तो बड़े बड़े लोग खड़े हैं हाथ पसारे। कुछ भी कहिए मिस्टर कूपर, आप चाहें तो प्रिंस को शीशे में उतार सकते हैं। अजी आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे मैं प्रिंस का मामा होता हूँ। आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है, एक बार आप चक्कर चलाइए। चक्कर तो कब का चल चुका है दीवान साहब, ये सब चक्कर नहीं तो और क्या है। दीवान साहब इस वक्त रफू चक्कर हो जाइए। हाँ। और कल ठीक 4:14 पर चुपके से इस चैम्बर में चले आइए, बाद में देखेंगे क्या होता है। ठीक है मिस्टर कूपर, आ रमेश। लेकिन रचना। अब इस रचना को भूल जाओ मैन, और गॉड का रचना देखो। बाय बाय।
आओ मामा, बैठो। सब ठीक तो है ना? अब तक तो सब ठीक ही है, लेकिन बरखुरदार बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हो। हाँ वो तो मैं समझा, अब ये बताओ कि अगला सीन क्या है? प्रिंस का रिएक्शन तो बहुत अच्छा है दीवान साहब, मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी बात बन जाएगी, और वो भी कौड़ियों के भाव। अच्छा, कितने में बात बनी? क्या बताऊं, आपके अंदाजे और हैसियत से भी कहीं कम। अच्छा तो बताइए ना। बात बाहर ना जाए, सिर्फ 40 लाख। 40 लाख? क्यों, है ना कौड़ियों के भाव? सॉरी मिस्टर कूपर, आपने हमारी हैसियत का अंदाजा गलत लगाया है। हम तो अगर अपना सब कुछ बेच डालें तो बड़ी मुश्किल से 20-25 लाख रुपए इकट्ठा हो सकेगा। What a poor man. माफ कीजिए कूपर साहब, ऐसा लगता है कि जी हमारे पास की बात नहीं। चलिए चलिए। अरे जी बैठिए बैठिए, सुनिए तो, ये तो प्रिंस की तरफ से ऑफर है, हम भी तो कुछ काउंटर ऑफर दे सकते हैं। मिस्टर कूपर, फर्क इतना ज्यादा है कि हमें काउंटर ऑफर देते हुए शर्म आती है। अगर आपका ये काम नहीं बना तो हम लोगों को कितना शर्म आएगा दीवान साहब। लेकिन मिसेस कूपर, कोई रास्ता भी तो होना चाहिए। आपका जब हम लोगों से वास्ता पड़ा है तो रास्ता कैसे नहीं निकलेगा? हम आपको ऐसा रास्ता बताएंगा कि आप लाइफ भर याद करेंगे, और वो रास्ता इन दोनों ने मिलकर निकाला है। वो क्या? स्पीक एसीडीसी। हम दोनों प्रिंस के तब से एडीसी है जब से प्रिंस एबीसी नहीं जानते थे। हमने कल तक प्रिंस को किसी लड़की की तरफ आंख उठा के देखते नहीं देखा था, लेकिन जब से उन्होंने रचना देवी को देखा है उनकी बेचैनी देखी नहीं जाती। सारी रात आंखों में काटी। He's right. आपका मतलब? Oh man, ये मामूली सा जायदाद तो क्या, तुम लोगों के हाथ में प्रिंस भी आ सकता है अगर तुम लोग रचना का हाथ प्रिंस के हाथ में दे दो। मिसेस कूपर, ये क्या कह रही हैं आप? हमने रचना का मैरिज के लिए प्रिंस का नाम लिया है, कोई लल्लू पंजू का नहीं। शायद आपको मालूम नहीं कि हम रचना को अपनी बहू बनाने का फैसला कर चुके हैं। तो इसमें बिगड़ने की क्या बात है दीवान साहब? हमने तो आपको अपना समझकर ऐसा सोचा था कि प्रिंस के खानदानी रस्म रिवाज के मुताबिक आपका कुछ फायदा हो जाए। रस्म रिवाज? रस्म ये है दीवान साहब, प्रिंस के खानदान में लड़के वाले लड़की वाले से दहेज में फूटी कौड़ी तक नहीं लेते। और रिवाज ये है कि उल्टा लड़के वाले लड़की के बराबर सोना तोल कर लड़की वालों को देते हैं। देते हैं सोना? हाँ दीवान साहब, ये सोने में तोलने वाला गोल्डन चांस फिर नहीं आएगा। पंपी, काश ये चांस तुम्हारे डैडी को मिला होता। यू शट अप बॉय। हाँ तो दीवान साहब, सोना तो क्या मिसेस कूपर, कोई जोहर रात में रचना को तोले तो हमें मंजूर नहीं। मिस्टर कूपर, हमें अफसोस है कि हमने खामखां आपको तकलीफ दी। और मैं गजब हो गया, सारा बना बनाया खेल बिगड़ गया। अंकल को फांसना कोई बच्चों का खेल नहीं है योर हाइनेस। अजी काय का योर हाइनेस, अब तो ये बताओ आगे होगा क्या? ये जाकर किसी ज्योतिषी से पूछिए। ज्योतिषी? हेलो सरकार। क्या? गुड इवनिंग रमेश। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग। क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो जरूर है, बताइए ना, आखिर आप किस चिंता में हैं? दुनियादारी में कोई ना कोई चिंता तो लगी रहती है। ये क्या जी तुम चिंता चिंता, ये चिंता चिता समान, शुभ चिंतक जब आ गया समझ हो गया कल्याण। समझ गया जजमान, ये नहीं समझा नादान, ये सुंदरी मांग कुछ वरदान। ए करो तो ये आम पंडित शंभू लिंगम पंतलु गारू ज्योतिष विद्या अवतारू कष्ट नवारू काज सवारू। क्या बकते हो है? तुम्हें यहाँ अंदर किसने आने दिया? चले जाओ यहाँ से। या सुंदरी दफा हो जा। ये क्या जी तुम? अयो रामा पापम पापम जी पापम, ये तेरे ज्योतिष की क्या हालत हो गई भगवान, ये कितना बदल गया इंसान। ये शरा, चले जाओ यहाँ से, हम नहीं मानते तुम्हारे ज्योतिष वोतिष। तुम नहीं मानना जी, हम तुमको मनवाना, हम तुम तीनों को एक एक आकाशवाणी बोलो ना फिर जाना। वो बात झूठ निकली तो? ये क्या सुंदरी, ये झूठ निकले ये आम शास्त्र पाड़ गोदावरी में फेंकना, खुद कूद जाना जी बोल। हमें मंजूर है। ये मंजूर? या सुंदरी, ये आम उद्घाटन तुमसे करना, आना उधर, ये आना जी। रचना
ये पिता पुत्र से बचना, बोला मु बोला सचना। सच है महाराज, अब धन्य है महाराज। देख देख चौक रहा यो रामा, क्या मस्तक जी। सुनो जी, ये तुम अपने पिताजी का चमचा। क्या चांदी का जी? क्या बकते हो? कलयुग का सर्वन कुमार जी, ओनर, पिता के बिना बिल्कुल बेकार। आकाशवाणी सुनना जी, ये तुम एक जोकरी से प्रेम बढ़ाया, ये तुम्हारा शनि में केतु घुस गया, ये एक मोटर मैकेनिक कल पुरजा वो आया, बहुत गड़बड़ किया, तुम्हारा भाग्य अच्छा जी बच गया, वरना तुम्हारा सब ढीला। बोल। ठीक है महाराज, बिल्कुल ठीक है। जल्दी से बताइए आगे क्या होगा। आगे पिताजी हट, पिताजी आना। अयो पाप पाप जी। क्या पाप? हमने जी तो पाप, हम बोलता एक पाप का बात जी, आप दो शादी बनाया। गलत, हमने एक ही शादी की है और हमारा एक ही बेटा। ये देख जी, झूठ बोलना सो बहुत बड़ा पाप जी, आप दो शादी बनाया, दो चोकरा हो गया। गलत। ये देख जी, आप 27 वर्ष पहले एक गरीब देवी भगवान के मंदिर में जाके शादी बनाया, उसको टोकर मार भगवान की दुनिया में चौड़ा, ये फिर दूसरा शादी बनाया, वो तुमको छोड़ के भगवान की दुनिया में गया। ये बोल बोल जी। ये देख जी, ये शास्त्र अपमान बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा पाप। हम जाता जी, ना पोर है, राम राम। महाराज महाराज रुकिए, महाराज ठहरिए, महाराज सुनिए, महाराज रुकिए, ठहरिए सुनिए, हम नहीं रुकना, नहीं ठहरना, नहीं सुनना। महाराज अनजाने में हमसे भूल हो गई, समझ लीजिए महाराज। आइए ना महाराज, बिराजिए। ये सुंदरी, अयो रामा, ये तुम बोलना, हम रुकना, आना। महाराज मेरे भविष्य के बारे में कुछ बताइए ना। बोलना जी बोलना, टैर ना थोड़ा। ये क्या विचित्र हाथ होना जी, वो भगवान ये हाथ बनाना, इधर होना हम उसका हाथ चूमना, कहीं कुड़ तक देव। ये कन्या, ये कौन सा भाग्यशाली के घर में जाना जी? रमेश के। अयो क्यों, रचना की शादी रमेश के साथ हो रही है? क्या बात करता जी तुम, हमारा इधर होने सो ये दुर्घटना कैसा होना। दुर्घटना? ये कन्या बारी मंगलिक, इन दोनों का लगन हो गया, ये चौकरा सवा पल सवा घंटा सवा दिन या ज्यादा से ज्यादा सवा महीना में राम नाम सत। तुम घबराना नहीं जी, ये लगन होगा नहीं, कारण ये कन्या का भाग्य रेखा कोटी बंगला मोटर गाड़ी सब चोड़ चाड़ सीधा राजमहल में घुस गया। राजमहल? ये कन्या रानी बन के अपने राजा के साथ 3 महीना के अंदर अंदर देश विदेश पार्न कंट्री में गमन करना जी। जी और सुनना जी, सब कन्या अपने माता पिता का घर खाली करके ससुराल जाना, ये कन्या ये घर भर के जाना, भर के एक टाइम लगन से पहले सोने में तुलना, और वो सोना आप दोनों का सोना आराम। मतलब? ये मतलब इतना सोना होना जी कि रखने को जगह नहीं होना, मगर घबराना नहीं, ये कन्या के कारण थोड़ा टाइम में आपको बहुत बड़ा जगह बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी होना, उसके बाद ये आपका ऐसा हालत होना, ऐसा हालत होना कि सारी दुनिया देखना। अच्छा आज्ञा देना जी। लेकिन महाराज हमें सेवा का मौका तो दीजिए। गाय चोकरा, ये सेवा करना हमारा धर्म, हम किया महाराज कुछ जलपान तो कर जाइए। अयो जल हम पी के आया, पान हम खाता नहीं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सुंदरी, ये देख जब तुम्हारा लगन हो ना हमको बुलाना। अच्छा चोकरी कुमार है दीदी, मेरी तो कल चकरा गई। बात ही ऐसी है, हमने इतना बड़ा विद्वान आज तक देखा तो क्या सुना भी नहीं, हैरानी तो इस बात की है कि जो बातें सिर्फ हमें मालूम है वो ये कैसे सच सच बता गया। रचना का सोने में तुलना, इतनी बड़ी जायदाद का सौदा, और फिर रचना के लिए प्रिंस की तरफ से शादी का पैगाम। इम्पॉसिबल डैडी, मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। रमेश? नहीं अंकल, रमेश ठीक कहता है। मेरे बच्चों, तुम दोनों के जज्बात को हम अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। खुद हमारी खुशी इसी में थी कि तुम दोनों को जीवन साथी बनाकर हम इस घर की खुशी में चार चांद लगा दें, लेकिन हम इतने गिरे हुए नहीं
कि अपने स्वार्थ के लिए अपनी रानी बिटिया के रास्ते में रुकावट बन जाए। हमें प्रिंस की ऑफर फौरन मान लेनी चाहिए। अंकल दिल छोटा ना करो बेटी। डैडी आई एम सॉरी रमेश, हमें तुमसे भी यही उम्मीद है कि तुम रचना की भलाई के लिए अपने प्यार को त्याग दोगे। बेटा त्याग में भी एक आनंद है। डैडी मुबारक हो, दीवान साहब मुबारक हो, अपने दोनों काम बन गए। सच रचना सचमुच आपके लिए लक्ष्मी का अवतार है। अब ले आइए 20 लाख और बन जाइए करोड़पति। मिस्टर कूपर ये सब क्या हो रहा है? हर काम अपने आप बन रहा है। दीवान साहब जब इंसान के दिन बदलते हैं तो फिर किसी काम में देर नहीं लगती। तो फिर ये कार्रवाई जल्दी खत्म हो जानी चाहिए। हम कल सुबह ही चेक लेकर आते हैं। चेक? नो 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 चेक, कैश। कैश? मिस्टर कूपर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की पेमेंट कैश से कैसे हो सकती है? वो मैं नहीं जानता, लेकिन पेमेंट कैश होगी। मगर इसकी वजह? दीवान साहब कोई वजह है तभी तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन क्या हमें भी तो मालूम हो? वो मुझे भी तो मालूम हो, फिर भी आप मुझे मजबूर करते हैं तो मैं अभी पूछ कर आपको बताता हूँ। आई डज नॉट लाइक इट। क्या हुआ मामा? तुम्हारा बाप एक पहुंचा हुआ घाघ है। तुम्हारा काम ये मेरे बस का रोग नहीं। तुम जानो तुम्हारा काम, मैं तो चला। मगर कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या? अरे दीवान साहब सारे पैसे कैश देने की वजह पूछते हैं, अब तुम ये बताओ मैं उन्हें क्या वजह बताऊं? दीवान साहब वजह तो प्रिंस को भी मालूम नहीं। वो कहते हैं कल हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी आ रहा है, तो वजह आपको वही बता देगा। फाइनेंस सेक्रेटरी? खैर कोई बात नहीं, हम कल किस वक्त हाजिर हों? आप कल गैर हाजिर ही रहिए। मैं फाइनेंस सेक्रेटरी को लेकर आपके मकान पर 9:14 पर हाजिर हो जाऊंगा और 9:15 नाश्ता भी हम आपके साथ ही करेंगे। जरूर जरूर। लेकिन मिस्टर कूपर हमें अंदेशा है कि कहीं ये फाइनेंस सेक्रेटरी हमारा बना बनाया काम ना बिगाड़ दे। दीवान साहब घबराने की कोई बात नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी अपने घर का ही आदमी है, निहायत शरीफ ईमानदार, मगर जरा उसको मिठाई खाने का शौक है। 10,000 से काम चलेगा? नहीं चलेगा तो मैं चला लूंगा। अच्छा अब आप चलिए। वेलकम सर, वेलकम। दीवान साहब आप हैं हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी मिस्टर हेरुमल फेरुमल टेल रोमानी, और आप हैं दीवान महेंद्रनाथ। ओ दीवान महेंद्रनाथ। दीवान साहब वेरी प्लीज टू मीट यू। थैंक यू सर, हाउ आर यू? आई लाइक ग्रैंड। आप हैं रमेश चंद्र दीवान दादा? साजो दादा, दीवान दादा। हरे राम परमात्मा साड़ी यंग मैन भेड़िया, हम तो तुमको मेरी दूसरा ही दादा समझा था। नहीं हाउ डू यू डू सर? हैंडसम आला फूस। आप हैं कुमारी रचना, हमारी होने वाली प्रिंसेस। व्हाट इज सिलेक्शन सर? एक्शन मिस्टर कूपर, ओनली इवेक्शन सर। व्हाट इज रिएक्शन? आइए। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? दीवान जी वेयर इज द ब्रेकफास्ट? ओह श्योर श्योर। रमेश रचना तुम लोग ब्रेकफास्ट का इंतजाम करो। सर तशरीफ रखिए। शुक्रिया शुक्रिया। आप भी व्योनी दीवान साहब? थैंक यू। मिस्टर कूपर? यस सर। व्हाट इज द टाइम? 9:16 सर। इम्पॉसिबल दीवान साहब, अरे देखो हमारे पास टाइम तो बहुत ही कम थी, तो मीटिंग चालू करें। श्योर। तो दीवान साहब हम आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना मांगता है। पूछिए। आप हमारा प्रिंस को 50 रुपया चेक में क्यों देना चाहता है? देखिए ना, हम इतनी बड़ी जायदाद खरीद रहे हैं, हम इतनी बड़ी जायदाद खरीद रहे हैं। अरे किस चरिए ने बोला कि हम जायदाद बेच रहे हैं? ये खरीदने और बेचने की बात प्रिंस के सामने तो करना ही नहीं। अब कुल का बहुत ही टेढ़ा आदमी है जी। अरे चरिया तुम बीच में कहां घुसता है? दीवान साहब दरअसल हमारा प्रिंस ये सारी प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट यानी तोहफा देना चाहता है जी। अरे बात बड़ी सीधी है दीवान साहब, ऐसा करने से हमारे प्रिंस को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा गिफ्ट टैक्स देके सारी प्रॉपर्टी परमानेंट आपकी। वंडरफुल आइडिया, व्हाट ब्रेन। ऑफ कोर्स मिस्टर कूपर,
अगर यही बात थी तो आप खुद मुझे बता देते। I does not like it. अगर मैं ये नुक्ता बता सकता तो फिर मेरी तनख्वाह 7,500 होती और इनकी 750। सर, इस गिफ्ट की लिखा पढ़ी आप करवाएंगे या हम अपने वकील से करवा लें? अरे बड़ी दीवान साहब, we fully trust you. आप अपने सॉलिसिटर से बनवा लीजिए। नहीं, हमारा प्रिंस तो आंख बंद करके अंगूठा लगा देगा, आई मीन सिग्नेचर कर देगा। दीवान साहब, ये बहरा बहुत ही घटिया किस्म का खाऊ आदमी है, 10,000 खा चुका है, 10,000 और मांग रहा है। आप ये काम जल्दी खत्म कीजिए वरना 20,000 और मांग लेगा। बट मिस्टर कूपर, अजी मैं आपकी शराफत और दयानतदारी की तारीफ कर रहा था। डाडो सुट्टो मानू है। ब्रेकफास्ट रेडी? सर, ब्रेकफास्ट इज रेडी। शुक्रिया। चलो नी दीवान साहब, चलिए चलो नी चलो। आखिर काम बन गया। सच? हाँ, हमें आज ही 20 लाख रुपए का इंतजाम करना है। घूम जाओ सब बैंकों में, सब ठिकानों में। अगर लाख 2 लाख रुपए कम हो जाए तो हुंडी पर उठा लेना, समझे? ओके, जाओ। मिस्टर कोपर, गिन लीजिए पूरे 20 लाख। दीवान साहब, गिनने की क्या जरूरत है, हमें आप पर पूरा विश्वास है। एडीसी, यस सर। ये सारा रुपया हिफाजत से हमारे खजाने में पहुंचा दिया जाए। यस योर हाइनेस। कूपर, ये हैं प्रॉपर्टी के कागजात, इन पर हिजाइनर के दस्तखत करवा दीजिए। श्योर श्योर, व्हाई नॉट। फर्स्ट राज मुद्रा। थैंक यू। राइट योर हाइनेस, सिग्नेचर प्लीज। श्योर श्योर, व्हाई नॉट। लीजिए दीवान साहब, आज से आप यहाँ के मालिक हैं, हर चीज आपकी। योर हाइनेस, जब हम ही आपके हो गए तो बाकी क्या रह गया। दीवान साहब, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आज की रात हम इस महल में ठहरना चाहते हैं। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं योर हाइनेस, सब कुछ आप ही का तो है, हम तो आपके सेवक। थैंक यू वेरी मच। योर हाइनेस, लीजिए दीवान साहब। थैंक यू योर हाइनेस। पिताजी। योर हाइनेस, आपके पिताजी की तस्वीर तो वो है, ये तो सेनापति। आई एम सॉरी मिस्टर कूपर, हम जज्बात की रौ में कुछ इस कदर बह गए कि सेनापति को माताजी का पति समझ बैठे। पिताजी, अगर आप जिंदा होते तो हमें ये कदम उठाने की कभी इजाजत नहीं देते। हम जानते हैं पिताजी, आज आपकी आत्मा को बहुत तकलीफ हो रही होगी, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। दीवान साहब, पुरखों की याद बड़े बड़ों के दिल हिला देती है, लिहाजा हमने ये फैसला किया है। दीवान साहब, अब यहां हम एक पल भी नहीं रुक सकते, हम इसी वक्त चले जाएंगे। तुम्हें कुछ यहां से जाने देगा तब मैं। दीवान साहब, ये कमीने बदमाश तुम्हारी, ये चलो। दीवान साहब, तुम गजब हो गया, हम लुट गए, बर्बाद हो गया। शट अप, हम तुम सबकी चाल समझ गए। समझ गया तो तुम यहाँ क्या करता है? मैं अभी तुमको यहाँ से जाने को मांगता। ओ यू, हमारा रुपया लो अभी इसी वक्त। रुपया? कौन सा रुपया, किसका रुपया, कैसा रुपया? दीवान साहब, आप होश में तो हैं? ऊपर, अब आप सीधी तरह यहाँ से तशरीफ ले जाइए, वरना समझ गए ना आप? हम भी। यस। खड़ा। यस यस। हमें तो अपने आप पर गुस्सा आ रहा है, उस दो कौड़ी के लड़के से धोखा खा गए। अब दो कौड़ी का वो नहीं डैडी, हम है। मेरी बात मानिए, इसी वक्त पुलिस में रिपोर्ट करवा के उस 420 को हथकड़ी लिखवा दी। अगर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी तो उल्टी हथकड़ी हमें ना लग जाएगी। वो क्यों? इसलिए कि उसमें आधे से ज्यादा पैसा फ्लैट का, और फिर ना कोई रसीद ना कोई लिखा पढ़ी, आखिर सबूत क्या है हमारे पास?
मैं उस बदमाश को गोली मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शाबाश, उसे मारकर तुम्हें रुपया तो वापस नहीं मिलेगा, लेकिन फांसी जरूर मिल जाएगी। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है डैडी। अब हमारे पास रह कर दिया है, एक रचना की दौलत की आस थी तो वो भी चली गई। वो कम वक्त खुद इस बदमाश से मिली हुई है और ऊपर से 1.5 लाख रुपए की हुंडी की तलवार हमारे सर पर लटक गई है। सरकार, क्यों मिला? समझे? बिल्कुल समझ गया सरकार, अभी लीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, अब हम नहीं तो बदमाश हमें ढूंढने की कोशिश करेगा। आगे रजू भैया, जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। मैं कब से राखी तैयार किए बैठी हूँ और श्रीमान जी को परवाह नहीं। कौन हो तुम? हम राजू की जान पहचान वाले हैं, उस बेचारे का मोटर एक्सीडेंट। तुम्हारे लिए जरा भी प्यार है तो हो सकता है वो राखी बंधवाने के लिए यहीं चला है। कालू, ये सरकार किसी किस्म की ढील अपने पर। बहुत बेहतर सरकार। चंदू, ताला लगाओ। मुझ पर तरस का हुआ। बहनों के लिए मेरे भैया,
Stop!
रमेश बाबू मेरी बहन को छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? रमेश बाबू मैं गरीब आदमी, गरीब आदमी की इज्जत पे हाथ मत डालिए, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। लेकिन हम तुम जैसे गरीब आदमी के साथ लड़ना चाहते हैं। मकार, आज हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब बोल जलील कुत्ते, तूने क्या समझा था कि तू दीवान महेंद्र नाथ को धोखा देकर बच निकलेगा? देख लिया हमसे उलझने का नतीजा, बताओ मेरा पैसा कहाँ है? राजू, राजू, ये क्या हुआ? राजू, राजू, ये क्या हुआ? मैं क्या देख रही हूँ? आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। हट जाओ बुढ़िया, बेटे को बचाते बचाते हमारे हाथ से कहीं तुम भी ना मर जाना। मुझे तो आपके हाथों मरे हुए बरसों बीत चुके हैं दीवान साहब। तुम? हाँ मैं। तुम अभी तक जिंदा हो? क्या मैं अभी तक आपको जिंदा नजर आ रही हूँ? देख क्या रहे हैं? इस सौभाग्य की जान लेकर अपना आखिरी अरमान भी पूरा कर लीजिए, ताकि दुनिया को ये मालूम हो कि दौलत के एक पुजारी ने अपने ही हाथों अपने बेटे को दौलत की भेंट चढ़ा दिया। बेटा? हाँ, वही बदनसीब बेटा जो दुनिया में आकर बाप के होते हुए भी बाप की सूरत देखने को तरस गया। राजू बेटा, देख ले जी भर के अपने बाप की सूरत, जिनके बारे में तू हमेशा अपनी गरीब माँ से पूछा करता था, देख ले बेटा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, दुनिया में शायद किसी बेटे ने अपने बाप के साथ ऐसा सलूक नहीं किया होगा जो मैंने किया। ऐसा करते हुए मेरे होंठों पे मुस्कुराहट जरूर थी, मगर उसके पीछे छोटा सा दिल रोया करता था। मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी से किया पिताजी, अपनी माँ की उजड़ी ही दुनिया को आबाद करने के लिए। मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि मैं दौलत की उस दीवार को गिरा दूं जो एक पति पत्नी के बीच में खड़ी है। आपकी दौलत वैसी की वैसी पड़ी है पिताजी, मैंने उसे छुआ भी नहीं।
आपको अपनी दौलत मुबारक हो पिताजी। चल मां। अंकल नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दो मुझे, मर जाने दो। नहीं नहीं जानकी, मैं तुम्हें अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहा। क्या आप क्या कहते हैं? हाँ, इस नीच ने हमेशा पैसे और सिर्फ पैसे ही को अपना धर्म ईमान बल्कि भगवान समझा। उसके लिए बड़े से बड़ा गुनाह करने से नहीं चूका, वह धरती के सीने का एक बोझ ही तो है। क्षमा कर दीजिए, मैं आज तक हर जुल्म अपनी किस्मत का लिखा समझ कर सहती आई, मगर मैं सह नहीं कर सकती। अपने जीते जीव अपने स्वार्थ को नहीं मिटने दूंगी। नहीं जानकी। पिताजी मत कहो मुझे पिताजी, मैं इस लायक नहीं। दुनिया ने हमेशा औलाद को अपनी दौलत समझा, लेकिन लानत है मुझ पर कि मैंने दौलत को अपनी औलाद समझा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ना पिताजी ना, जिस प्यार को तरसते हमारी जिंदगियां बीत गई, आज वो प्यार भी आप छीनना चाहते हैं हमसे? बेटा, पिताजी, बेटा, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। चल आओ। चलता हूँ मैं दूर मंजिल से, मेरा क्या है काम साहिल से, हर तूफानी धारा मेरा है किनारा, मैं मांझी अनजान धारों का, ओ यारो मेरा नाम।